Find the minimum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. एलिप्स हमें गिवन है, एलिप्स में एक ट्रायंगल बनेगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब, हाँ जी है, इंस्क्राइब इन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस. दिस इज योर मेजर एक्सिस. वर्टेक्स जो है ट्राइंगल का दैट इज एट वन एंड, तो ये पॉइंट मैंने ए कॉमा जीरो मान लिया. दिस इज योर आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये आपका इसका हो गया ऑरिजिन जीरो जीरो, और ये पॉइंट हमें एज्यूम करनी है. इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ एच कॉमा के, तो ये पॉइंट जो है आपका दिस विल बी एच कॉमा माइनस के. अब क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है इसका, तो दिस पॉइंट विल बी एच कॉमा जी. अब उसने क्या कहा है हमें, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. सो यू नो कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है हमारे पास दैट इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस, बेस है आपका बी सी, into altitude that is AM. So half into BC into AM. ठीक है, अब इस एरिया को हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है. अब जो हम लेके चलेंगे BC, BC क्या आएगा आपका, what will be the this length, length BC क्या आएगी, distance formula से आप निकाल सकते हो क्या आएगी, एच माइनस एच होल स्क्वायर जीरो हो जाएगा प्लस के होल स्क्वायर अंडर द रूट क्या आएगा. यहां लिख रही हूं मैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बी सी आपने निकालना है तो एच माइनस एच होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. सो दिस इज टू के का स्क्वायर दैट इज टू के. तो BC आ गया आपके पास 2K, आप डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो. अब सेम वे में हमने AM निकालना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AM, A माइनस H होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 इज 0, सो दिस इज A माइनस H, ये डिस्टेंस आ गया आपका A माइनस H. सो ये मेरे पास आ गया हाफ इंटू 2K इंटू A माइनस H. अब मुझे क्योंकि इसको मिनिमाइज करना है, तो इट मींस कि मुझे एच या के किसी एक की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करनी पड़ेगी. इक्वेशन ऑफ एलिप्स मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और पॉइंट एच कॉमा के जो है आपका दिस इज लाइंग ऑन द एलिप्स. अब ये पॉइंट आपका क्योंकि एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो दिस विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, तो ये आपका आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंस एच कॉमा के लाइज ऑन इट, दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्लियर है ये, यहां से एच या के की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो. के की वैल्यू हम, के को हम इन टर्म्स ऑफ एच लिख लेते हैं, सो यहां से ये आएगा आपका, ये इरेज कर दू फिगर या इधर साइड पे कर दो, यहां कर रही हूं इससे आगे में. ये बन गया आपका 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. सो के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. सो के इज इक्वल टू बी बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का जब आपने रूट लिया और साथ में आ गया आपका रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. यहां तक आ गया समझ, कोई डाउट तो नहीं है. अब ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दो,
हमने एरिया को मैक्सिमाइज करना है. तो दिस इज हाफ ऑफ, ये हाफ और टू से टू कट कर दो, के की जगह आ गया आपका बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू ए माइनस एच. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो वी विल बी हैविंग बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू ए माइनस एच. सो यू कैन रिप्लेस दिस ए स्क्वायर बाय दिस जेड, क्योंकि जब ए मैक्सिमम होगा ए स्क्वायर भी आपका मैक्सिमम होगा. तो कैलकुलेशंस की कॉम्प्लिकेशन जो है अवॉइड करने के लिए वी हैव रिप्लेस्ड दिस ए स्क्वायर बाय जेड. अब आगे आपका वही मेथड है, डेरिवेटिव निकालो, पुट दैट इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, देन डबल डेरिवेटिव निकालो, उसको शो कर दो कि दिस इज लेस देन जीरो एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट. जिस पॉइंट पे ये लेस देन जीरो आ रहा है या अगर एक ही पॉइंट आ रहा है तो दैट विल गिव यू द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और वहां पे जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल गिव यू द मैक्सिमम एरिया. So this you are to complete yourself. If up to this point any doubt is there in any of the part, you can ask. इसको दोबारा explain कर रही हूँ मैं. You are to find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. So this is the major axis. ये आपकी जो है triangle given है. ये ट्राइंगल गिवन है हमारी विद वन ऑफ इट्स वर्टेक्स एट द मेजर एक्सिस. तो ये वर्टेक्स हो गया मेजर एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आ गया आपका ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट हमने ले लिया एच कॉमा के, और क्योंकि आपका जो एलिप्स होता है वो सिमेट्रिक होता है तो ये पॉइंट अगर एच कॉमा के है तो दिस पॉइंट विल बी एच कॉमा माइनस के. दिस इज द सेंटर, तो ये एच कॉमा जीरो आ गया, ये a कॉमा जीरो है. अब सभी पॉइंट्स हैं आपके पास, वर्टिसेस हैं, तो यू आर टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड. सो हाफ इनटू बेस है आपका ये बी सी, एल्टीट्यूड है ये ए एम, तो हाफ इनटू बी सी इनटू ए एम. बी सी और ए एम, ये आपका एच एच वाली वैल्यू सेम है, ये के डिस्टेंस है, ये माइनस के डिस्टेंस है, तो बी सी की जो लेंथ होगी दैट इज 2k, और ए एम की जो लेंथ आई आपकी दैट इज ए माइनस एच होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो होल स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज ए माइनस एच. ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी. अब यहाँ पे एच और के दोनों हमारे वेरिएबल हैं, जबकि हमने जब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है हम विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू जो है वो एच की टर्म्स में लिखेंगे जो हमें गिवन था उससे निकाल के, एंड देन वी विल फाइंड आउट द डेरिवेटिव. तो यहाँ पे क्योंकि h, k पॉइंट आपका एलिप्स पे लाए कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. सो इसमें आपने जब इसको पुट किया सिंप्लीफाई करके यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ k, k की ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की. अब ये h की टर्म्स में आ गया, a और b आपके कॉन्स्टेंट्स हैं. नाउ यू आर टू डिफरेंशिएट दिस z विद रिस्पेक्ट टू h, dz by dh निकालोगे, देन क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, देन d स्क्वायर h z by dh स्क्वायर को शो कर दोगे दैट इज लेस देन 0, क्योंकि आपको एरिया को मैक्सिमम शो करना है. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब. अब हमें क्या क्या गिवन है, डेप्थ गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, और बॉक्स हमें गिवन है दैट इज क्यूबॉइडल इन शेप एंड ओपन एट द टॉप. So this is the cuboidal shape. हमें जो इसके given है dimensions with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter. ये इसकी depth हो गई, ये हमें given है 2 meter. Length हमने x मान ली, breadth हमने क्या मान ली, y. ठीक है. अब volume हमें given है 8. So this is your question number 9. Let the length of tank x meter and breadth जो है that is y meter, depth या height हमें given है 2 meter, volume हमें given है 8 meter cube.
अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है दैट इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. सो एच इज इक्वल टू लेंथ है एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज टू, तो एच इज इक्वल टू टू एक्स वाई, या फोर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो y आ गया आपका 4 अपॉन x. ये गिवन से हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लिया. अब आगे वो क्या कह रहे हैं, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट्स रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, तो एक बेस के लिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज गिवन एज रुपीज 70. तो बेस का हम एरिया निकाल लेंगे, उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हमारे पास बेस आ जाएगा. तो एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया क्या आएगा, बेस की लेंथ कितनी है एक्स, ब्रेथ कितनी है वाई, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बेस, एक्स इंटू वाई. तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द बेस ये रुपीस में आ गया. ये क्लियर है, बेस की कॉस्ट कितनी होगी, रुपीस 70 एक्स वाई. उसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ रुपीस 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फोर साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड किया हुआ टेंथ में, एरिया ऑफ फोर साइड्स या फोर वॉल्स twice of length plus breadth into height, perimeter into height किया हुआ है, area of four walls, ठीक है. अब यहाँ पे two times length कितनी है x, breadth कितनी है y, height कितनी है 2, तो this is 4 into x plus y. अब इसकी construction की cost कितनी given है, 45, तो cost of four walls constructing या building four walls 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको 45 की बने, तो 4x + y की कॉस्ट आप निकाल लोगे, दैट विल बी 180 इनटू एक्स प्लस वाई. अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, यानी कि कॉस्ट को हमने क्या कर रहे हैं, मिनिमम शो करना है, मतलब हमें वो पॉइंट निकालना है वेयर द कॉस्ट विल बी मिनिमम. तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, यानी कि अब हम फंक्शन लिख रहे हैं जिसको हमने मिनिमाइज करना है, तो टोटल कॉस्ट दिस 70xy प्लस 180 टाइम्स x प्लस y. अभी आपके पास फंक्शन आ गया जिसको आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है. सो यू आर टू फाइंड द डेरिवेटिव, देन क्रिटिकल पॉइंट्स, यहां से x को y को रिप्लेस कर लो 4x से, तो वो आपका सारा जो फंक्शन है वो x की टर्म्स में बन जाएगा. dy by dx निकालो, यहाँ अगर c की टर्म्स में लिया है तो c dc by dx निकाल लो, एंड देन क्रिटिकल पॉइंट्स, देन डबल डेरिवेटिव, एंड देन गेट योर आंसर. सो दिस यू आर टू कंप्लीट योरसेल्फ. यहाँ पे अब पुट कर लेना y को 4x, तो ये आपका बन जाएगा 280 प्लस 180 into x plus 4 by x. अब इसको simplify करके get your answer. Now moving on to question number 10. This is a very important question. Done, beta? Question number 10 में we are given sum of the perimeter of a circle and square is k. अब ये हमें given है. क्या क्या given है? Sum given है perimeter of circle का और square का. दोनों के perimeters का जो sum है that is given to be k.
सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, यानी कि r रेडियस हो गया इसका, और स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, दिस इज इक्वल टू के। के कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये रेडियस मैंने r ले लिया, ये साइड मैंने x ले लिया। अब यहां से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, तो किसी एक को किसी फॉर्म में लिख लो। यहां से मैं x को लिख लेती हूँ k माइनस 2πr/4। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1। ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, गिवन था जो मुझे। इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो गिवन होता है हमें, उससे हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज r एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x। तो आपको गिवन क्या है, सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज गिवन टू बी k। तो यहां से हमने x को r की टर्म्स में लिख लिया। After that, what he is saying, prove that the sum of their areas is least. यानी कि अब हमने क्या शो करना है, एरिया, सम ऑफ एरियाज को मिनिमाइज करना है when the side of square is double the radius of the circle. Side of square is double the radius of the circle. This we are to show कि x जो है that is equal to 2r. ये हमने शो करना है। तो according to question जो हमें मिनिमाइज करना है that एरिया है, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका, एक्स स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह हम क्या ले लेंगे, के माइनस 2πr/4 होल का स्क्वायर। अब आपका ये आर की टर्म्स में आ गया, एक वेरिएबल है, फाइंड डी ए बाई डी आर, पुट दैट इक्वल टू जीरो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो, देन एरिया को मिनिमाइज शो कर दो। उसके बाद जो आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स वाली वैल्यू आएंगी, आर वाली जो वैल्यूज होंगी, वो आप यहाँ पे पुट करोगे, तो सिंप्लीफाई करके यू विल गेट दिस रिलेशन, एक्स इज इक्वल टू 2r। ठीक है, हो जाएगा ये। सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट ऑर्डर, पुट दैट इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव को चेक करो, क्योंकि आप एरिया को मिनिमम आपने शो करना है, लीस्ट शो करना है, तो आपका जो डबल डेरिवेटिव है दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो, वो हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी आर की वैल्यू आई होगी यहाँ से, वो यहाँ पे पुट करोगे, तो आपका सिंप्लीफाई करके यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 2r। तो आपका एरिया जो है वो मिनिमम कब होगा, व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो दिस यू अगेन यू आर टू कंप्लीट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन बेटा, कर दो ही रेस। अब क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। एक रेक्टेंगल की शेप में है विंडो, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ये रेक्टेंगल और इसके ऊपर ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग। लेट द साइड एक्स मान लेते हैं, लेंथ एक्स, ब्रेथ वाई, या लेंथ वाई ब्रेथ एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ ध्यान दो कि जो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है उसके लिए अगर हम डायमीटर लेके चलें तो उसका ये डायमीटर सेम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इट मींस इसका जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, एक्स बाय टू। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग x by 2, dimensions of rectangle units लिख लेना आगे, क्योंकि हमें नहीं पता मीटर है या सेंटीमीटर है, क्या है, मीटर में वैसे गिवन है। आगे वो क्या कह रहा है, टोटल पैरिमीटर ऑफ द विंडो इज 10 meter, ये गिवन है अब हमें। ठीक है, पैरिमीटर ऑफ विंडो हमें गिवन है, टेन मीटर। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री होती है पूरी, आप लेके चलते हो, तो जब आपकी ये विंडो आपको गिवन होगी तो ये आपकी आउटर बाउंड्री बनेगी, यानी कि ये 3 sides ऑफ द रेक्टेंगल एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। ये वाला पार्ट जो है, यू नो कि ये विंडो की अगर ये शेप है तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो पेरीमीटर जब हम निकालेंगे विंडो का, तो इट मीन्स उसमें 3 sides ऑफ द रेक्टेंगल एंड द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल आपका आ रहा है। तो क्या आएगा,
क्या आएगा जल्दी बोलो। थ्री साइड्स ऑफ रेक्टेंगल कौन कौन सी हैं? एक्स वाई एंड वाई, तीनों को ऐड करोगे तो क्या गेट करोगे? एक्स प्लस टू वाई। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर होता है। आर क्या है यहाँ पे? एक्स बाय टू, एंड दिस इज गिवन टू बी 10। एक्स वाली टर्म्स हम उधर ले जाते हैं, इनको चाहो तो एलसीएम ले लो, अदरवाइज एज इट इज भी लेके चल सकते हो। अब वो क्या कह रहे हैं आगे? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अब लाइट किस में से आएगी? इस वाले पोर्शन में से आएगी। इट मींस ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एरिया ऑफ द विंडो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मींस हमने क्या करना है, एरिया ऑफ द विंडो जो है वो क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द विंडो? एरिया ऑफ द, जब एरिया हमें निकालना है, इट मींस दैट एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ, इधर लिख देती हूँ मैं, एरिया ऑफ विंडो इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय टू। आर कितना है? एक्स बाय टू। ये आर स्क्वायर आ गया और अपॉन में टू सेमी सर्कल का प्लस एरिया ऑफ दिस इज एक्स इंटू वाई। अब वाई की वैल्यू पुट कर दो, सारा आपका जो एरिया वाली वैल्यूज हैं वो एक्स की टर्म्स में आ जाएंगी। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी पाई एक्स स्क्वायर बाई एट प्लस एक्स इंटू वाई की जगह ये पुट कर दोगे, फाइव माइनस पाई बाय फोर एक्स माइनस एक्स बाई टू। सिंप्लीफाई कर लो इसको। अब आगे फिर वही एरिया को हमने मैक्सिमाइज करना है, तो इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पुट द डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो शो करोगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो दिस अगेन यू आर टू कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 आफ्टर दिस। डन। क्वेश्चन नंबर 12 में वी आर गिवन अ पॉइंट ऑन द हाइपो ऑफ द ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। फिगर्स अगर इन क्वेश्चंस की आपकी बन जाती हैं, तो क्वेश्चंस जो है वो सिंप्लीफाई करने डिफिकल्ट नहीं है। हमें अब गिवन है कि अ पॉइंट ऑन द हाइपो ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी यूनिट्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि अगर ये डिस्टेंस ए है तो दिस विल बी बी। नेमिंग दे दी हमने। व्हाट वी आर टू शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपो इज दिस। सो इट मींस हमने लेंथ ऑफ हाइपो को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सो लेंथ ऑफ हाइपो यू कैन सी क्लियरली दैट दिस इज गिवन बाय एपी प्लस पीबी। डिस्टेंस एपी प्लस पीबी, पी इज अ पॉइंट ऑन द दिस हाइपो, ए और बी उसके एंड पॉइंट्स हैं, तो ए पी प्लस पी बी विल गिव यू द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, यहां से ये हमने पॉइंट जब लिया तो ये पॉइंट आपका लेंथ बी आ रही थी, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो ये वाला और ये वाला एंगल आपका, क्योंकि 180 है, को इंटीरियर बन रहे हैं। देन अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलोगे तो आप इनको सिमिलर शो कर दोगे, ट्राइंगल से सिमिलर हो गई तो आफ्टर दैट ये एंगल्स आपके क्या आ जाएंगे, दोनों थीटा आ जाएंगे। तो ट्राइंगल, इसको एम ले लो पॉइंट, तो ट्राइंगल ए पी एम में
क्या गिवन है मुझे, थीटा के ऑपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है हाइपो की। तो इट मींस मुझे क्या क्या लेके चलना है, बेस एंड हाइपो। बेस एंड हाइपो इज रिलेटेड टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस इज ए, हाइपो हमने निकालना है, तो ए पी की वैल्यू आ गई ए बाई कॉस थीटा, यानी कि ए सिकेंट थीटा। अब सेम वे में मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, पी बी की, थीटा के ऑपोजिट दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपो यानी कि साइन थीटा। तो यहां से पी बी आ गया ए बाय साइन थीटा यानी कि ए कॉसेक थीटा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ, लेंथ को हमने मिनिमाइज कर मैक्सिमाइज करना है। सो लेंथ ऑफ हाइपो ए पी इज गिवन बाय ए पी प्लस पी बी, दैट इज ए सेकेंट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा, बी कॉसेक थीटा, दिस वॉज बी। नाउ फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव, इसको एलसीडी नोट कर लो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, डीएल बाई डी थीटा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है, एंड देन डबल डेरिवेटिव को लेस देन जीरो शो कर दो। सो अगेन दिस यू आर टू कंप्लीट योर सेल्फ, और एल की वैल्यू आपने लास्ट में शो करनी है, वैल्यूज पुट करके यू विल गेट इट योर सेल्फ, ए टू दी पार टू बाई थ्री प्लस बी टू दी पार टू बाई थ्री होल रेज टू पार थ्री बाई टू। So again, this you will complete yourself. This is your question number 12. Done? Koi doubt to nahi? So question number 13 now. Find the points. Kyunki ye types hum sari kar chuke hain. That's why I'm going so fast. So I hope you will be able to get this and complete these yourself. Find the points, अब ये आप मुझे बताओगे, find the points at which the function has local maxima, local minima and point of inflection. Local maxima कहाँ पे होता है, क्या करते हैं local maxima के लिए? पहले critical points निकाल लोगे, derivative, first order derivative को equal to zero put करके, फिर maxima minima के लिए क्या करते हो, double derivative, double derivative अगर greater than zero है तो that will be the point of minima, अगर लेस देन जीरो है तो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर डबल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है तो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो दिस यू आर टू डू योरसेल्फ, दिस इज योर होमवर्क पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आल्सो, दिस यू आर हैविंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है स्टेटमेंट, और उधर साइन, साइन एक्स है या साइन स्क्वायर है, साइन एक्स है, ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos square x plus sin x, डेरिवेटिव लो क्या आएगा, माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, क्लियर है ये डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहां से टू cos x आपका कॉमन आ गया, यहाँ रह गया माइनस टू साइन एक्स, यहाँ रह गया प्लस वन, अब पुट द डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, सो इधर cos x इज इक्वल टू जीरो और वन माइनस टू साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू और कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें क्या निकालना है, वी आर टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। कॉस एक्स किस पे जीरो होता है, इंटरवल आपको कहाँ से कहाँ गिवन है, जीरो टू पाई, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरवल हमने लेके चलना है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरवल में एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे कॉस आपका जीरो होता है और साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से पाई बाय सिक्स या सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय सिक्स यानी कि फाइव पाई बाय सिक्स, क्योंकि जो आपका साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और कॉस एक्स की वैल्यू जीरो सिर्फ आपकी 90 डिग्री पे मिलती है, और इंटरवल जो यहाँ पे है वो हमें जीरो कॉमा पाई गिवन है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरवल। अब क्योंकि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालनी है, तो जो आपके एंड पॉइंट्स वाली वैल्यू है दीज ऑल्सो यू आर टू इंक्लूड, और बाकी वैल्यूज हमारी आई है पाई बाई सिक्स, पाई बाई टू
एंड 5 पाई बाय 6। तो ये 5 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इन पॉइंट्स पे अब आपने एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स की। इन पॉइंट्स पे जो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमा। तो दैट विल बी योर आंसर। सो अगेन दिस यू आर टू कंप्लीट योर सेल्फ। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 15 से 20 यू विल ट्राई, 24 रादर, एंड इफ एनी डाउट्स विल बी देयर तो दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे। सो इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डाउट यू कैन अनम्यूट।